अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप यू ऑल फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक हैं। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं कंप्लीट सेट ऑफ प्रोग्राम्स इंस्टॉल अपने कंप्यूटर के अंदर फॉर कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, ये हम देखेंगे इन फ्यूचर। बट बाय द वे, आज हमारा काम क्या है कि हम कंपाइलर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन से टूल्स को यार यूज़ करने जा रहे हैं और वो टूल्स क्या हैं। तो मैं कोड में आगे जाने से पहले आप सबको बताता जाऊँ कि भाई जान, आज हम क्या करने जा रहे हैं। आज हम तीन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने जा रहे हैं। लाइक फर्स्ट वन फ्लेक्स 2.5.4 ए वर्जन एंड बाइसन 2.4.1 वर्जन एंड डेव सी प्लस प्लस 6.3 वर्जन, डेट इज ओल्डर। बट मैं ये आपको बताऊंगा कि ये हम ओल्डर को यूज़ करेंगे न्यू को, तो आज हम ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक डिफरेंस यहाँ पे बताता चलूँ, उतनी देर हम इंस्टॉलेशन पे भी लगा देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फ्लेक्स 2.5.4 ए जैसे कि सजेशन में आ चुका है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो मैं साथ साथ आपको ये भी बताता जाऊँ कि यार हम फ्लेक्स को क्यों यूज़ करते हैं। फ्लेक्स को सिंपल सी बात है, लेक्सिकल एनालाइजर के लिए यूज़ करता है। इन फ्यूचर हम इसको देखेंगे ये क्यों होता है यार, ये लेक्सिम्स को एनालाइज करता है, एक स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट को। ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर पार्ट को। तो हम इस लिंक पे चले जाएंगे, http://gnu.win32.source4.net। तो ये हमें डायरेक्टली ले जाएगा वेबसाइट के ऊपर, जहां से हम सेलेक्ट करेंगे सेटअप। सॉरी बाय द वे, सेलेक्ट नहीं, आपने क्लिक करना है। तो सेटअप पे क्लिक करने के बाद ये बड़े प्यार से आपको मोहब्बत से कहेगा, यूर डाउनलोड विल स्टार्ट श्योरली, तो वेट फॉर इट। तो ज्यादा ही प्यार से कह रहा है क्योंकि ये लोडर जल्दी खत्म हो चुका है। बाय द वे, ओके, तो हमारी डाउनलोडिंग अभी तक स्टार्ट भी नहीं है। अभी यार हो जा जल्दी से। ओके बाय द वे, ये मुझे क्या कह रहा है कि आप पहले इंस्टॉल कर चुका। हाँ यार, मैं पहले कर चुका, लेकिन मैं दोबारा आप लोगों के लिए इंस्टॉल कर दूंगा क्योंकि मैं पहले भी इसे कई दफ़ा इंस्टॉल कर चुका हूँ। ओके, ये 1.168 MB का है। तो होप्स वो आपको पता लग गया होगा कि लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है। ठीक है ना, यानी कि फ्लेक्स हम क्यों यूज़ करते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर के लिए। ठीक है, ओके गाइज, नेक्स्ट हम कौन सा सॉफ्टवेयर करेंगे, इसे इंस्टॉल होने देते हैं। बाय द वे, नेट क्यों स्लो इतना आ रहा है, अभी तक इंस्टॉल हो जाना चाहिए था, तो मुझे खुद भी नहीं पता। बाय द वे, हम यहाँ पे किसको सर्च करेंगे, अब हम सर्च करेंगे बाइसन को। अच्छा, बाइसन क्या है, बाइसन को मैं यहाँ पे टाइप तो कर रहा हूँ, बाइसन का वर्जन 2.4.1 डाउनलोड हम करेंगे। ठीक है, अच्छा ये बाइसन क्या है, बाइसन बाय द वे अब आपको पता है ये जंगली भैंसों कहते हैं। फॉर दैट टाइम मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ, जंगली भैंसों को कहते हैं, बट ये वो वाला बाइसन, ये यॉक से निकला है। यॉक क्या होता है, ये पार्सर जनरेटर है, वो लेक्सिम्स को एनालाइज करता है, और ये क्या करता है, पार्सर जनरेटर है। इन फ्यूचर हम इसके बारे में देखेंगे, बट आज हम क्या करें, हम टूल्स को जस्ट डाउनलोड कर रहे हैं। तो सेम 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 फ्लेक्स की तरह हम कहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देंगे, सेटअप पे क्लिक कर देंगे। सेटअप पे क्लिक करने के बाद ये हमें सेम उसी वेबसाइट पे ले जाएगा और बड़े प्यार मोहब्बत से हम एक ही अल्फाज कहेगा, यूर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली 5 सेकंड। देखो यहाँ पे नोट करना, वैसे बाय द वे ये देखो 4 सेकंड अभी बढ़े हैं और ये लोडर खत्म। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। बाय द वे, हमारी इंस्टॉलेशन हो चुकी है, ये भी मुझसे कह रहा है कि अगेन ओके, मैं इसे ओके कर दूंगा और ये हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक ये हुई नहीं, ओके वेरी गुड, हो चुकी है। तो ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तो इसे हो लेने देते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ओके गाइस, आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ टू सॉफ्टवेयर फ्लेक्स एंड पाइथन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेव सी प्लस प्लस। अच्छा, तो मैंने आपको कहा था कि कुछ लोग जैसे कि एम्बर कैट डीरो का डेव सी प्लस प्लस यूज करते हैं, मतलब 6.3 वर्जन वाला, तो कुछ लोगों की ये डिमांड होती है। तो अगर हम लिखें डेव सी पी पी, अगर आपकी भी डिमांड हो यूनिवर्सिटी में कि आपने कौन सा यूज़ करना है 6.3 वर्जन, तो आप ब्लडशेट से डाउनलोड कर सकते हैं, ये वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बट बाय द वे, हम ये वाला ही यूज़ करेंगे, लेटेस्ट वर्जन, वो थोड़ा सा प्रीवियस वर्जन है, तो हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, हम बिल्कुल उसे यूज़ नहीं करने जा रहे। द रीज़न इज़ डैट, क्योंकि आई वांट के हम बिल्कुल लेटेस्ट चलें। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इट्स नॉट अ बिग डील, ये लो, ये आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। बट बाय द वे, वी आर गोइंग टू इंस्टॉल लेटेस्ट, तो मैं लेटेस्ट की तरफ जाऊँगा अभी। लेटेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसके अंदर क्लिक कर दूंगा, डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड एंड वेट करते हैं कि ये हमें क्या देता है। ओके, ये दे रहा है हमें डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड, और मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जस्ट वेट फॉर इट कि यहाँ पे हमें ये क्या कहता है, ये अगेन हमें, ओके गाइस, हम इसे स्टार्ट डाउनलोड कर देते हैं। और आफ्टर स्टार्ट डाउनलोडिंग, ओके ये देखा, ये अब स्पीड आ रही है, शुक्र है, ये अब स्पीड थोड़ी सी नेट की अच्छी हुई है। वो ना बाय द वे, मुझे नहीं पता था वो बाइसन लगता, वो 3 MB का था और वो ना मतलब कि भैंसा भैंसा बन गया। तो हम इसकी इंस्टॉलेशन का वेट करते हैं और मैं वेट नहीं, ओके वेट करते हैं। ओके गाइस, तो ये इंस्टॉल हो चुका है हमारा डेव सी प्लस प्लस।
तो हम डायरेक्टली कर देंगे ऑपन फोल्डर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। यस वेरी गुड, डेव भी आ चुका है, फ्लेक्स भी आ चुका है, बाइसेंट भी आ चुका है। तो मैं सबसे पहले डेव को ही इंस्टॉल कर लूंगा, तो डेव को इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो मैं इसे यस कर देता हूँ। वेरी गुड, यानी कि अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। मुझे पता है यार, डेव सी प्लस में बहुत से लोगों के पीसी होगा, बट ये एक रिक्वायरमेंट थी, मतलब कि एक कंप्लीट सेट था ये इन तीन प्रोग्राम्स का, तो मुझे इसे एक साथ करना पड़ा। एंड इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, जस्ट आप जाओ फर्स्ट लिंक पे क्लिक करो और निकाल करो, यानी कि आपके सामने ही है जो। ओके, तो ओके मैं करूँगा एंड नेक्स्ट करता जाऊँगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैंने समझानी थी यार, यहाँ पे ना मैं आपको पता क्या समझाऊंगा। मैं कह रहा हूँ कि आपने ये प्रोग्राम फाइल्स में नहीं करना, ठीक है, आपने ये डायरेक्ट डेव सी पी पी करना है, ठीक है, इसका फ़ायदा मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं चला गया इंस्टॉल पे, और ये यहाँ पे हमारी इंस्टॉलेशन है। देखिए, हम फ्लेक्स और बाइसन के साथ भी ये हरकत करेंगे। हमने इनको ओपन, जी कहाँ पे ओपनली हमने इनको करना है इंस्टॉल, वहाँ पे यानी कि लोकल डिसी में। ओके, 2,000 years later. ओके गाइस, आफ्टर इंस्टॉलेशन मैं इस पे फिनिश पे क्लिक कर दूंगा और ये रन डेव सी प्लस प्लस को भी चेक कर दूंगा। तो गाइस, इससे डेव सी प्लस प्लस हमारा डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं भी इंस्टॉल किया होगा उनके यानी कि पता लग जाएगा इनिशियली क्या होता है डेव सी कर दें। और यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट भी इसका आ चुका है, तो यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस ओपन हो जाओ जल्दी से। ओके, तो ओरिजिनली यस मैं इसे नेक्स्ट कर दूंगा, और मुझे आइकन भी ये पसंद है, आप अपने आइकन यहाँ से, पर बाय द वे न्यू लुक। ओके ओके, और यहाँ पे हमारे पास डेव सी प्लस प्लस ओपन हो चुका है, और यहाँ से हम न्यू फाइल को बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे भी कोड करेंगे। तो मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। नेक्स्ट, यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हमारा काम ये होगा कि हमने इन्हें इंस्टॉल भी करना है। किसे हम पहले किसे करेंगे, फ्लेक्स को करेंगे। ओके, तो फ्लेक्स को इंस्टॉल करने के लिए मैं सबसे पहले ये हरकत करूँगा, तो ये गेम मेरे से परमिशन ले रहा है, तो मैं इसे यस कर दूंगा, और यस करने के बाद इसे मैं नेक्स्ट कर दूंगा, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। और यहाँ पे गेम देखा, गेम देखा देखा देखा, मेन बात इसे कर दूंगा सी जी एन, और ये ठीक है। ये बात यार, ये गौर से एक दफ़ा देख लो, गौर से देख लो, मतलब कि मैं डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करूँगा यार, ये एक दफ़ा गौर से देख लो, मतलब कि इशू देगा बाद में। आपने डायरेक्टली इसको सी में करना है, प्रोग्राम फाइल्स में नहीं करना, अगेन बोल रहा हूँ। ओके, और ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसे हम ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। देखा, और ये हमें यहाँ पे दे रहा है, और मैं नेक्स्ट करता हूँ, और डाउनलोड सोर्स करनी है, और क्रिएट अ शॉर्टकट, तो बस ये कर देते हैं और इंस्टॉल करते हैं। वेरी गुड, तो ये तो इंस्टॉल हो चुका है, ये बहुत अच्छा बच्चा, ये जल्दी इंस्टॉल होगा। डेव सी प्लस प्लस में ज़्यादा टाइम लिए, इसे हम बाद में पूछेंगे। वेरी, ओके, अब हम बाइसन को इंस्टॉल करेंगे। बाइसन हमारे पास ये देखो, पहले ये ओके अगेन परमिशन ले रहा है, यस ये ब्लैक स्क्रीन हो जाती होगी, मुझे पता है वीडियो का पता है, ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग हम इससे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो परेशानी होना, जब भी लेनी बड़ी गाड़ी ले। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, आई एक्सेप्ट करूंगा, और यहाँ पे एक मज़े की चीज़ देखना क्या होगी, ये देखो ये पहले से ही वो पाथ ले रहा है। वेरी गुड, तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, और नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, और इंस्टॉलेशन हमारी स्टार्ट हो गई। वेरी गुड, मतलब कि हमारा बाइसन भी रेडी हो चुका है, और बाइसन भी रेडी हो चुका है, फ्लेक्स भी रेडी हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम, मैं चला जाता हूँ अपने फाइल एक्सप्लोरर में, यहाँ पे चलाते हैं पीसी में, हमने इंस्टॉल किया, हमने इंस्टॉल किया है अपने लोग सी में, एंड ये देखो ये हमारा डेव भी आ गया, ये हमारे प्रोग्राम भी आ गए। अब हमने क्या काम करना है, अब सबसे पहले तो हम डेव के साथ थोड़ी सी छेड़, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, बिल्कुल बाकी समझ रहे हो। ओके वेरी गुड, यहाँ पे हम चले गए, किधर गए, जस्ट फॉर इट में जाना है, एंड होप सो पता तो लग ही गया होगा बात। अब इस पाथ को ये देखो मिन में गए 0.64, और बिन में गए, और इसको हम कंट्रोल सी कर लेंगे। कंट्रोल सी करने के बाद, कंट्रोल सी क्यों किया बाय द वे, पहले कंट्रोल सी करने से पहले मैं ये कर लेता, मैंने कंट्रोल सी इस वजह से किया, मैं यहाँ पे किसको सर्च करूँगा, इन्वायरमेंटल वेरिएबल, बाय द वे अब आप सबको पता होगा ई एन वी के नाम से शो करते हैं, और आप सब यानी कंप्यूटर साइंस की डिग्री में कभी ना कभी तो इनसे वास्ता पढ़ा ही होगा। तो मतलब कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट ओके ये आ गया, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में हम गए, पाथ के ऊपर हमने क्लिक किया, और पाथ के ऊपर मैं गया, यहाँ पर मैंने न्यू के ऊपर क्लिक किया, और यहाँ पर मैं कंट्रोल भी कर दूंगा। मज़ा आया इस बात का, ओके करूँगा, ओके करूँगा, ओके करूँगा, तो ये तो अब मैं कहाँ पे जाऊँगा, अगेन लोकल डेव में चले जाएंगे, लोकल डिस्क सी में बल्कि चले जाएंगे, और सी में जाने के बाद जी एन यू
IN32 पे क्लिक करेंगे, बिन के ऊपर क्लिक करेंगे, याद रखना बिन फाइल्स को एनवायरनमेंट वेरिएबल से मोस्ट फैक्टर। और ये देखो ये देखो ये फ्लेक्स के था, हमारा भाई खुद ब खुद आ चुका है। कंट्रोल सी कर लेंगे, अगेन पाथ को कंट्रोल सी किया, ओके हमारे दोबारा से सर्च करना पड़ेगा, मैंने ओके कर दिया था, कोई बात नहीं मैं दोबारा से सर्च कर लेता हूँ, बाएं हाथ का खेल है, टेंशन लेनी जब भी लेनी बड़ी गाड़ी। वेरी गुड, तो हमने ये काम कर लिया, ये काम करने के बाद अब ओपन हो जाए हमारे एनवायरनमेंट, फायदा भी खुद ओपन पड़ा तो ओके। आप लोग भी परेशान हैं ना कि अभी तक ओपन नहीं हुआ, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये देखो हमारा पहले वाला पाथ आ चुका है, न्यू पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे, यहाँ पे इसका भी ना आ गया, ओके आ गया, ओके आ गया एंड ओके आ गया, मतलब कि वेरी गुड हो गया, वेरी गुड हो गया, ये हमारा काम यहाँ पे डन हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हमारा क्या, नेक्स्ट काम हमारा ये कि हमारा सेटअप हो चुका है, हमारा ये वर्किंग प्रॉपरली करेगा, अब ये सब कुछ हो चुका है। ठीक है, इससे मैं कर रहा हूँ अभी क्लोज, मतलब कि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्टली कोड लिख लेना या अगर आपने करना हो कर लेना, मगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके जाना चाह रहा था, मैं डेव को क्या कर रहा हूँ क्लोज कर रहा हूँ बिल्कुल प्यार मोहब्बत। तो किसे ओपन कर रहा हूँ, नोट पैड को। ठीक है, ये सारा कोड आप डेव में भी कंट्रोल सी करके पेस्ट करके कर लीजिएगा, बट मैं अभी किसको यूज़ करूँ, नोट पैड को, क्योंकि मोस्टली जब भी आपको बेसिक्स करवाना पड़े ना तो मेरा कहना यह है कि बंदे को ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। तो वैसे भी नोट पैड में ये कोड मैंने आप लोगों के लिए लिखा था ताकि टाइम वेस्ट ना हो, तो ये सारा कोड हो गया है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि अब हम इसे सेव करेंगे। कुछ लोग आप कहेंगे मुझे कि सर आपने पहले क्यों नहीं सेव करके रखा हुआ था, या आपने क्यों नहीं पहले सेव किया था, अब हम इतने बच्चे हैं कि हम कंट्रोल एस करके सेव नहीं कर सकते। अच्छा, हमको सिखा रहा है। हाँ यार, आप बिल्कुल बच्चे हो, आप कंट्रोल एस करके इसे नहीं सेव कर सकते। द रीज़न इज दैट बहुत से लोग यहाँ पे गलती, और मुझे पता है वो सब लोग आप लोग भी करोगे, तो मैंने इसी वजह से ना मैं जाऊँगा लोकली, तो यहाँ पे मैं फोल्डर में चला जाता हूँ, यहाँ पे मुझे प्रोग्रामिंग वाला फोल्डर चाहिए, प्रोग्रामिंग वाले के अंदर मैंने कंपाइलर का बनाया था, कंपाइलर में चला जाता हूँ और लेक्स कोड्स में जाके आप देखना यहाँ पे पेस्ट। बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ फर्स्ट दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा किसी ने टेंशन लेनी इस कोड की, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये कोड पूरा समझाऊंगा, आज की वीडियो जस्ट इंस्टॉलेशन किया और मैं रन भी करके दिखा रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं नहीं चाहता इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देकर और लंबी कर लूँ। ओके वेरी गुड, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको ऑल फाइल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑल फाइल्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे हम क्लिक करके क्या करेंगे, फर्स्ट डॉट एल। ठीक है, ऑल फाइल्स फर्स्ट डॉट एल, इससे क्या होगा एक लेक्सिंग फाइल बनेगी। देखिएगा देखिएगा, यही मिस्टेक सब लोग करते हैं, ऑल फाइल्स नहीं सिलेक्ट करते, डॉट एल नहीं लिखते और बाद में कहते हैं सर हमने तो कोड किया है मगर इशू हो रहा है। ये चीज़ आपने ध्यान से रखनी है, लेक्स कोड्स में जाऊंगा, ये देखो क्या फाइल की टाइप है, ये लेक्सिंग फाइल, हमेशा याद रखना जब आपका कोड नहीं चलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल होगी और ये कोई ना कोई इशू दे रहा होगा, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा होगा, वो कहेगा यार चल ही नहीं रही। अच्छा अब ये कौन सा पाथ है जहाँ पे हमने फाइल अपनी सेव की है, ठीक है ना, मैंने ये पहले ओपन करके रख लिया था, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया कंट्रोल सॉरी ए करके, या वैसे भी आप क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं जस्ट लिख दूंगा CMD और एंटर प्रेस कर दूंगा। तो CMD प्रेस करने के बाद मुझे इसका फ़ायदा क्या होगा, मुझे इसका फ़ायदा ये होगा कि मेरा CMD डायरेक्टली इस लोकेशन पे ओपन हो जाएगा। देखो हम जी में गए थे, प्रोग्रामिंग गए थे, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन और लेक्स कोड्स के अंदर आ गए। अब क्या होगा, अब हम ये जो कोड है ये पूरा कोड आप देख यहाँ पे, तो इसको हम अभी सही कर देंगे, मतलब कि अभी यहाँ पे रन करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा मैं अगेन अगेन क्या बात कर रहा था कि मैं इसको नेक्स्ट में बताऊंगा, तो आज मैं इसकी अभी जस्ट आपको इतना बता दें कोड क्या काम करेगा, ये कोड ये काम करेगा क्योंकि कीवर्ड हुआ तो कीवर्ड का बता देगा, नंबर हुआ तो नंबर का बता देगा, तो ये इस तरह वर्किंग करेगा। ठीक है, और अगर कोई वर्ड हुआ तो वर्ड का बता देगा। अब हम सबसे पहले यहाँ पे कमांड क्या देने जा रहे हैं, यहाँ पे कमांड देने जा रहे हैं फ्लेक्स करो किसको, फर्स्ट करो सॉरी फ्लेक्स करो फर्स्ट डॉट एल को, फाइल का नाम क्या फर्स्ट डॉट एल, तो मैंने यहाँ पे किया फ्लेक्स और फर्स्ट वर्ड। अच्छा ये फ्लेक्स फर्स्ट वर्ड ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड ये करेगी, देखो यहाँ पे अभी तक हमें कोई याद नहीं है, मतलब कि इसको देखेगी लेक्सिम्स को देखेगी, मतलब कि कोई ऐसा एरर जो लेक्सिम्स में आ रहा हो वो वाला एरर तो नहीं है, मतलब कि सीधी सी बात है ये हमें क्या जनरेट कर देगा, लेक्स डॉट वाई वाई डॉट सी कर देगा। ये देखो ये फाइल पहले नहीं थी, ये अभी इसने जनरेट की लेक्स डॉट वाई वाई और ये डॉट सी में से करोगे सोर्स वाई। वेरी गुड, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रन करेंगे, इसको रन करने के लिए मैं GCC का यूज़ करूँगा, जो कि कह रहे हैं जनरेट करो, जनरेट करो किसको किसको सी फाइल की एक एग्जीक्यूटेबल फाइल में। तो इसका क्या काम मतलब है, किस फाइल को करो लेक्स डॉट को वाई वाई डॉट सी को किसको कर जनरेट कर दो, एंटर प्रेस करो, कोई एरर होगा तो यहाँ पे शो हो जाएगा, लेकिन अभी कोई एरर नहीं है तो शो नहीं हुआ, तो ये कोड चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है ये कोड चल रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा सब कुछ। अब आपके पास एक न्यू एग्जीक्यूटेबल फाइल है, चूंकि हमेशा ए के नेम से आएगी, ये देखो ये आ चुकी है a.exe, इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे तब भी ओपन हो जाएगी, वरना मैं कमांड के थ्रू आपको ओपन करवा देता हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट एक प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा, तो ये देखो हमारा कोड चल पड़ा है। अब ये क्या कह रहा है, एंटर द स्ट्रिंग या एंटर द वैल्यू कुछ भी लिखो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3, देखिएगा ये मुझे क्या करेगा, अब ये कंपाइल करेगा, अब ये कंपाइल करेगा,
देखना कंपाइल करके मुझे क्या बताएगा। ये देखो 1 2 3 इज अ नंबर, मैं इसे कहता हूँ आमिश, ये मुझे कहेगा आमिश इज अ वर्ड, मैं इसे कहता हूँ अच्छा तेरी ऐसी की तैसी, तू अब फंसेगा मेरे हाथों। कैसे? मैं इसके देता हूँ एल्स, एल्स इज अ कीवर्ड, मैं इसे देता हूँ इफ, इफ इज अ कीवर्ड, मैं कहता हूँ तेरी अभी भी नहीं ऐसी की तैसी, मैंने जो कोड लिखा है ना बस मुझे पता है, मैं लिखता हूँ आमिश 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बता, अभी वो कहता है भाई आमिश इज अ वर्ड, 1 2 3 4 5 इज अ नंबर, दैट इज द आइडिया, ये कोड हमारा इस वक्त ये वर्क कर रहा है। अच्छा, अब कुछ लोग मुझे ये भी कमेंट करेंगे डेव सी प्लस प्लस में क्यों नहीं किया भाई साहब आपने, मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो, डेव सी प्लस प्लस में मैंने अभी जस्ट इस वक्त नहीं किया, द रीजन बिहाइंड दैट, डेव सी प्लस प्लस में इसे कंट्रोल से करके कंट्रोल वी करके कंट्रोल यानी करता, तो मतलब के सेव कर लेना था, मैंने नोट पैड से इस वजह से सेव किया और मैनुअली सेव करके आपको दिखाया, क्योंकि समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जो डेव को नहीं यूज़ कर रहे थे, जो नोट पैड को यूज़ कर रहे हैं या किसी और को यूज़ कर रहे हैं टूल को, तो उन्हें सेविंग में इशू आता है, वो कंट्रोल एस करके नेक्स्ट करके डॉट टी एक्स टी की या डॉट कोई भी फाइल सेव कर देते हैं इशू आता है। तो मैंने आपको जिस तरह अभी पिछली वीडियो में सॉरी पिछली वीडियो कहते हैं कुछ टाइम पहले अभी मैंने आपको सेव करने का तरीका बताया कि हमने कौन सी लेग्जीम फाइल में सेव करना है, तो इसी वजह से मैंने आपको मैनुअली नोट पैड में करके दिखाया। ये देखो एल फाइल, ठीक है, टेक्स्ट फाइल नहीं, ठीक है, तो आपने इस तरह करना। इसी तरह आपने डेव में भी ख्याल रखना, डॉट सी फाइल और डॉट एल फाइल और लेग्जीम फाइल। ओके गाइज, मुझे यानी कि लगता है कि आपको यानी कि पता लग गया होगा, और ये देखो हमने कितना इंटेलिजेंट वर्क किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊंगा कि आप ये कैसे कैसे यानी कि वर्किंग कर रहा है, और इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मैं इन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाइसन के जो सब ये लिंक्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड सेकेंड बात ये कि आप लोग लाजमी यानी ना इसको वर्क कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो लंबे होने के लिए माजरत, द रीज़न बिहाइंड दैट आपके सामने था वर्क, मैंने डाउनलोडिंग्स भी मतलब कि आपके सामने की, और वीडियो पॉज करता गया अंदर से उसे स्किप करता गया, और पहले ही मैंने कोड भी लिख के रख लिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो, तो इस वजह से वाह। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़।